हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम। एज यू नो वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेंस एंड टुडे आल्सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सेम टॉपिक। यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड, एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड इन माई लास्ट वीडियो वी हैव फिनिश्ड पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटेंस and today we are going to continue with interrogative. In interrogative we have two types. First is yes no types questions, second is WH types questions. जो interrogative sentence होते हैं उनमें two types होते हैं। जो पहला type होता है वो होता है yes no types questions और जो second होता है वो WH types question होते हैं। तो first of all हम यस या नो टाइप्स क्वेश्चन देखेंगे। यस नो टाइप्स क्वेश्चन पहले हम थोड़ा इसके ऊपर बातें करेंगे। यस नो टाइप्स क्वेश्चन क्या होते हैं? जो यस नो टाइप्स जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर हमेशा हम यस या नो में ही देते हैं। उसका आंसर हम हमेशा हाँ या ना में ही देते हैं। ओके, तो हम यहां पे देखेंगे यस नो टाइप्स क्वेश्चन और उसका यहां पे स्ट्रक्चर है। ये ऑलवेज स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ड के साथ में। डू और डज इसके हेल्पिंग वर्ड है। आपको पता है जो सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं उसका जो हेल्पिंग वर्ड होता है वो होता है डू, डू और डज। और हम लोग सब किसके साथ में डू यूज करते हैं और किसके साथ में डज यूज करते हैं ये आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। तो आप यहां पे देखोगे कि आई हैव रिटन हियर टू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड। क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम स्कूल जाते हो तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको हाँ या ना में ही आंसर देना पड़ेगा। एट सेकेंड एग्जाम्पल आप देखोगे क्या राम उसे चाहता है? डज राम लव हर? आप इस दो सेंटेंस में आप देखोगे कि यहां पे मैंने वर्ब के साथ में एस और यस का यूज नहीं किया है। और हमेशा आपको माइंड में ये चीज याद रखनी है कि हम लोग जब डू और डज का यूज करते हैं तो हम लोग वर्ब के साथ में एस और यस का यूज नहीं करते हैं। ये आपको हमेशा माइंड में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। In our own words, we can say that those questions which begin with the help of question words and question words, जैसे कि example में question word बोल सकते हैं हम लोग what, why, which, who, many more, are called WH type question. और WH टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। और क्वेश्चन वर्ड्स के जो एग्जांपल्स है आई हैव गिवन यू हियर। यू कैन सी आई हैव गिवन सम ऑफ द क्वेश्चन वर्ड्स हियर। ओके, नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ WH टाइप क्वेश्चन। इट्स ऑलवेज स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, देन आवर हेल्पिंग वर्ड, देन सब्जेक्ट, वर्ड फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। एंड ऑलवेज यू हैव टू कीप इन योर माइंड, हमेशा आपको अपने माइंड में एक बात याद रखना है, जितने भी इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में कभी भी हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। कभी भी आप देखोगे सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। यू कैन सी एंड ऑफ द सेंटेंस यू कैन सी द क्वेश्चन मार्क। नाउ यू कैन सी फर्स्ट एग्जाम्पल, तुम स्कूल कब जाते हो। और ये जो WH जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, इसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि तुम स्कूल कब जाते हो। तो when do you go to school। देन सेकंड एग्जांपल, वह किसको जानती है। तो वह जो लड़की है वो हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकती है, हाँ या ना में हम आंसर नहीं दे सकते। देन हुम डज सी नो,
And about this helping word, I have explained you where you have to use do and where you have to use does. And these two things you have to keep in your mind about helping words, about subject, and about question mark. In interrogative sentence, always we use question mark. Now, friends, you can see on the blackboard, I have written some of the sentences. आप ब्लैक बोर्ड में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं इसमें से कुछ सेंटेंसेस है वो गलत है. आपको फाइंड आउट करना है कि इन जो सेंटेंस है इन सेंटेंस में मैंने कहाँ पे गलती की है और कौन सा सेंटेंस इसमें रॉन्ग है. ये आपके लिए वर्क है, आपको इस वर्क को कम्प्लीट करना है और आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर मुझे राइट आंसर लिखने हैं और मैंने कहाँ पे गलतियाँ की हैं आपको मुझे बताना है, जिससे कि मुझे ये समझ में आएगा कि आपको ये जो टॉपिक है वो समझाए कि नहीं. ओके, एंड अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आप देख सकें और आप समझ सकें. और अगर आप एक भी वीडियो मिस करेंगे तो आप जो टेंस जो टॉपिक है उसको आप समझ नहीं पाएंगे. तो टेंस को समझने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल को शेयर भी करना है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स अभी घर में हैं जो स्टडी नहीं कर पा रहे वो हमारे वीडियो से कुछ सीख सके. एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.